त्याची बैठक सुद्धा सुरू. मागच्या गायकवाड आयोगाचा अहवाल, आताचा सुकळे आयोगाचा अहवाल, दोन वर्षात तीन वर्षात कशा पद्धतीने याच्यामध्ये फरक आला, कशा पद्धतीने आला, मला वाटतं ही कोणी ना कोणी लोक बघणार. आणि याच्यात जर मला वाटतं काही डिफरन्स आला तर निश्चित लोक असतातच इकडे तिकडे चॅलेंज करणार. हिंदी में जाना चाहेंगे, स्पेशल सेशन आज रखा गया मराठा आरक्षण के लिए. जो स्पेशल सेशन रखा गया है आरक्षण का तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये आरक्षण कायम रहना चाहिए. इसके पहले भी नारायण राणे समिति के माध्यम से आरक्षण दिया गया था. पृथ्वीराज चौहान जी का सरकार था, बाद में देवेंद्र जी फडणवीस का सरकार था, उसमें भी आरक्षण दिया गया था. लेकिन ये जो रिजर्वेशन है इसको चैलेंज किया गया और रिजर्वेशन के बारे में सुस्पष्ट अपना कायदा है, लॉ है कि 50% के ऊपर अगर आरक्षण देना है तो वो अधिकार केंद्र को है. और अगर वो केंद्र को अधिकार होगा तो राज्य सरकार 50% के ऊपर आरक्षण किस प्रकार लेके जाएगी ये देखना मैं समझता हूँ अब हम देखना चाहते हैं और बाद में इसमें और भूमिका विस्तार से रखेंगे. आज विशेष अधिवेशन आहे, खरं तर महत्त्वाचा दिवस आहे राज्याच्या दृष्टीने, आणि या अधिवेशनाला उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत. राहतील ना, उद्धवजी पण राहतील, उद्धवजी ठाकरे साहेब राहतील, आदित्यजी ठाकरे साहेब राहतील. इलेक्शन को लेकर इस तरह से किया जाए.